हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस बना लें। अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस तो आप सभी को पता ही है, तो उसी तरह से बनाइएगा जिस तरह से आप बनाते हुए आए हैं। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब आप अपनी कंप्यूटर की नोटबुक ओपन कीजिएगा जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था। प्रीवियस होमवर्क का आंसर मैच करने से पहले मैं इस बात को फिर से रिपीट कर दूँ, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवा लें, खरीदवा लें। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। ये दोनों बातें हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं होगी वो अपनी बुक्स परचेस करवा लेंगे, अपनी किताब को खरीदवा लेंगे। किताब आपकी स्कूल में अवेलेबल है, ठीक है ना, मौजूद है। तो सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है उनके लिए ये बात है, और जिन बच्चों के पास बुक्स है वो इस बात को इग्नोर कर देंगे। और हाँ, अगर बुक है और क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं तो ये गलत बात है, आप सभी बुक के साथ क्लास में प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। बिना बुक और बिना क्लास के हमारी जो स्टडी होती है, पढ़ाई जो होती है वो अधूरी रहती है, इनकम्प्लीट रहती है, मतलब पूरी नहीं हो सकती। तो आप सभी बच्चे इस बात को ध्यान में रखिए और अपनी बुक परचेस करवाइए और क्लास में प्रेजेंट रहा करें। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे आप क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, उसी तरह जब आपकी क्लास एंड होने लगे, ख़त्म होने लगे, तो दोबारा से अटेंडेंस बना लिया कीजिए। और अटेंडेंस कब बनाना है, जब आपको गुड मैनर टिप दिया जाता है उस दौरान आप सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस बनाया कर कीजिए, ठीक है। और हाँ, अटेंडेंस बनाने के बाद, जब आप फर्स्ट टाइम अटेंडेंस बनाते हैं तो उसके बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है, मतलब आपको मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करना है। आपको लगातार जितनी देर की आपकी क्लासेज होती है और जितनी क्लासेज आपकी हो रही है, ठीक है ना, तो सभी में आपको प्रेजेंट रहना है। और लास्ट तक आपकी क्लास, जब तक लास्ट ना हो, आपको मोबाइल ऑफ नहीं करनी है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सभी बच्चे अपनी क्लास में प्रेजेंट रहेंगे और कंटिन्यूसली रहेंगे, और जितनी देर की क्लासेस होती है और जितनी भी क्लास हो रही है सभी में आप प्रेजेंट रहा करें, अपने टीचर्स की बातें सुने, ठीक है ना, आपको जो भी बताते हैं, जो भी समझाते हैं, उन सभी बातों को गौर से सुने, ध्यान से सुने और उन सभी चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है। मतलब कुछ एक्टिविटीज़ है जो बनाने के लिए दी जा रही है, तो बोर्ड पे है, तो बोर्ड से आप नोट कीजिए और उसको आप जब खाली समय में आप बैठे रहते हैं तो उसे बनाने का कोशिश कीजिए। और अगर रिमेम्बर करने का है तो रिमेम्बर तो हर हाल में करना है। तो जब आपकी स्कूल खुलेगी, और कुछ दिनों में हमारी स्कूल खुलने ही वाली है, ठीक है, अभी तो फ़िलहाल यानी कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने ऑर्डर कर दिया है कि सीनियर क्लासेस ओपन हो गए हैं, तो इसलिए तो बहुत जल्द हम लोग भी अपने अपने स्कूल आएंगे और आप सभी बच्चे, तो उस समय आपका जो भी होमवर्क है, जो आपने बनाया है, उसे हम चेक करेंगे। हम टीचर्स की जिम्मेदारी है चेक करने की, तो हम चेक करेंगे, और साथ में जो भी एक्टिविटीज़ आपको रिमेम्बर करने के लिए दी जा रही है उसे हम सुनने का भी काम करेंगे। तो आपको बनाना है होमवर्क, बनाते रहना है जो भी आपको बनाने के लिए दिया जा रहा है, और साथ में आपको रिमेम्बर करते रहना है। रिमेम्बर करने का काम आप सभी बच्चे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और हर एक चीज़ को फॉलो करें। और कोई भी चीज़ है, जैसे आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, जैसे बुक, नोटबुक, अदरवाइज़ आपका जो भी चीज़ है, ठीक है ना, प्लेइंग है, मतलब गेम का है, उन सभी चीज़ों, मतलब हर एक चीज़ों की हिफाजत कीजिए, उनकी केयर कीजिए, इज्जत कीजिए, ठीक है, बिना वजह उसे बर्बाद मत कीजिए, उसका मिसयूज़ मत कीजिए। बार बार इस चीज़ को समझाया जा रहा है, इसीलिए आपको हर रोज़ एक नया गुड मैनर दिया जा रहा है, एक नया गुड हैबिट टिप दिया जा रहा है, और सेफ्टी रूल्स भी बताया जा रहा है। सेफ्टी रूल्स हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए फॉलो करते हैं, और गुड मैनर हम अच्छे शिष्टाचार को
बनाने के लिए करते हैं, गुड हैबिट हमारी अच्छी आदत हो उसे हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग चीज़ है, सेफ्टी रूल्स अलग चीज़ है, गुड हैबिट अलग है, गुड मैनर्स अलग है, ठीक है ना। तो जो भी टिप्स आपको दिए जा रहे हैं उन्हें फॉलो कीजिए, और हाँ अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड, अपने आस पड़ोस के बच्चों से सभी से शेयर भी किया कीजिए, मतलब उन्हें समझाइए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बैड हैबिट, बैड मैनर्स, इन सभी से दूर रहना चाहिए, और जो भी गुड हैबिट है, गुड मैनर है, इन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। ओके, अब चलिए जो आपका होमवर्क था प्रीवियस कंप्यूटर में उसे हम देख लेते हैं। ओके, तो आपको होमवर्क दिया गया था ट्रू एंड फॉल्स में, ठीक है। तो पहला जो आपका सेंटेंस था ट्रू फॉल्स का वो क्या था, मशीन्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, मशीन जो हैं वो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, तो क्या हो जाएगा, वन का ट्रू हो जाएगा, TRUE ट्रू, ठीक है ना। मशीन जो है वो इंसानों द्वारा ही बनाए गए हैं, इसे ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने नहीं बनाया। हाँ, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, उस दिमाग का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन जो मशीन है वो इंसानों द्वारा बनाया गया है। उसके बाद है कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली से चलता है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, हाँ यस, इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं चल सकता कंप्यूटर। उसके बाद है नंबर थर्ड, कंप्यूटर गेट्स टायर्ड एंड मेक एंड कैन मेक मिस्टेक्स, कंप्यूटर थक जाता है और वो गलतियां करता है, तो बिल्कुल भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, FALSE फॉल्स, कंप्यूटर क्या करता है, मिस्टेक नहीं कर सकता और ना ही वो थकता है, तो थर्ड नंबर वाला जो सेंटेंस है वो फॉल्स है। सन, बर्ड्स, स्टोन्स एंड ट्रीज आर नेचुरल थिंग्स, तो यस, तो क्या हो जाएगा, ट्रू, सन मतलब सूरज इंसान नहीं बनाए हैं, उसे भगवान ने बनाया है। उसके बाद बर्ड, जितनी भी चिड़िया हैं उन सभी को भगवान ने, अल्लाह ने बनाया है। उसी तरह स्टोन, पत्थर जो हैं वो भी भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, और पेड़ पौधे वो भी भगवान, अल्लाह के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं, प्राकृतिक वस्तु कहते हैं, प्राकृतिक वस्तु जो हमें भगवान की तरफ से मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद है नंबर फाइव, कंप्यूटर मेक्स आवर वर्क ईजी, कंप्यूटर हमारे काम को आसान करता है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू, यस, हाँ, कंप्यूटर से हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है। जैसे कि हमें कुछ करना है, कोई सम्स को सॉल्व करना है, तो हम कंप्यूटर पे फटाक से कर लेते हैं, मतलब उसमें झटपट हो जाता है। लेकिन अगर वही काम हम नोटबुक और पेंसिल से करेंगे तो उसमें हमें टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद है नंबर सिक्स, अ कंप्यूटर मे बिकम हैप्पी और सैड, कंप्यूटर खुश और गमगीन हो सकता है, मतलब उदास हो सकता है, तो नहीं, FALSE फॉल्स, कंप्यूटर में ये चीज़ नहीं होता, वो नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए वो खुश भी नहीं हो सकता और ना ही उदास हो सकता है। नंबर सेवन है अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज वेरी लाइट, डेस्कटॉप कंप्यूटर वो बहुत हल्का होता है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, FALSE फॉल्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर आपको टेबल पे रखा जाता है ना, उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोला जाता है, तो वो जो होता है बहुत भारी होता है, वो लाइट नहीं होता, हेवी होता है, तो नंबर सेवन फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है नंबर एट, टैबलेट इज स्मॉलर देन अ लैपटॉप, टैबलेट जो है लैपटॉप से छोटा होता है, बट बिगर देन अ कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर से बड़ा होता है, तो नहीं, टैबलेट जो होता है वो छोटा ही होता है लैपटॉप से भी और कंप्यूटर से भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। स्मार्टफोन था ना, स्मार्टफोन, हाँ,
जो टैबलेट होता है, टैबलेट मतलब मोबाइल जैसा ही होता है लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता है, तो वो जो होता है लैपटॉप से छोटा होता है, लेकिन स्मार्टफोन, स्मार्टफोन आपका ये हो गया तो इससे बड़ा होता है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, टी आर यू ट्रू। आपने कभी देखा होगा टैबलेट, ठीक है ना, इसे हम टैब भी बोलते हैं और टैबलेट भी बोलते हैं। तो टैबलेट जो होता है वो लैपटॉप से छोटा होता है लेकिन स्मार्टफोन से बड़ा होता है साइज़ में। 9 नंबर है, अ कंप्यूटर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम्स टू डू कैलकुलेशन। कंप्यूटर को कैलकुलेशन करने में बहुत समय लगता है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, FALSE फॉल्स। कंप्यूटर का जो काम होता है वो बहुत जल्दी का होता है, मिनटों का होता है, सेकंड में वो हर एक चीज़ को कैलकुलेट कर देता है। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ का हम नंबर ऐड करें तो वो कैलकुलेशन जो करता है बहुत जल्दी में कर देता है, सेकंड की रफ्तार में करता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद है नंबर 10, अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारियाँ, सूचनाएँ एकत्रित की जा सकती हैं, तो यस। ठीक है, तो आपका ये पूरा जो टेंस सेंटेंस था जो ट्रू एंड फॉल्स हो गया। तो क्या हो गया, पहला ट्रू हो जाएगा, सेकंड भी ट्रू हो जाएगा, थर्ड आपका फॉल्स हो जाएगा, फोर्थ आपका ट्रू हो जाएगा, फिफ्थ सेंटेंस भी आपका ट्रू हो जाएगा, सिक्स सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा, सेवन जो सेंटेंस है वो भी फॉल्स हो जाएगा, एट जो नंबर एट है वो आपका ट्रू होगा, नाइन आपका फॉल्स हो जाएगा और टेन नंबर आपका ट्रू हो जाएगा। अब चलिए जो आपका आज का होमवर्क है उसे आप सभी बच्चे नोट कर लें, ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ और जो आज का होमवर्क होगा वो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, और आप सभी बच्चे आज का होमवर्क मतलब आज का डेट डालकर, और हाँ सबसे पहले तो प्रीवियस होमवर्क उतारने के बाद आपके पेज में अगर जगह है, लाइन है 4 से 5 तो वहीं पे उतारिएगा आज का डेट डालकर, और अगर नहीं है, 1 से 2 ही लाइन बची हुई है, तो आप क्या कीजिएगा, न्यू पेज में आज का डेट डालिएगा और लिखना स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ए आज का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर ए है CIRCLE सर्कल द MACHINES मशीन्स GIVEN गिवेन BELOW बिलो। ओके, मतलब है यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, सर्कल द मशीन्स गिवन बिलो, नीचे कुछ मशीन्स नेम दिए जाएंगे, मतलब कुछ नेम दिए जाएंगे जिसमें से आपको मशीन पहचानना है और उसके बाद उसे सर्कल करना है, मतलब उसमें गोला गोल घेरा लगा देना है। ओके, तो है TRE3 FAN फैन CAP कैप DOG डॉग के CAR कार्ड CHAIR चेयर COMPUTER कंप्यूटर MIXER मिक्सर। ओके, और भी कुछ वर्ड मैं दे रही हूँ, ठीक है, उसके बाद है मिक्सर, है ना, उसके बाद है HOUSE हाउस, ठीक है, उसके बाद है RE FRI GE
RATO रेफ्रिजरेटर, ठीक है। उसके बाद है WASHING वॉशिंग, MACHINE मशीन। उसके बाद है TABL टेबल, ठीक है। तो ये कुछ आपको नेम दिए गए हैं जिसमें से आपको मशीन का नेम पहचानना है और उसके बाद सर्कल कर देना है। तो क्या है, ट्री, फैन, कैप, डॉग, कार, चेयर, कंप्यूटर, मिक्सर, हाउस, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड टेबल। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर ए हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वो भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, सर्किल द मशीन गिवन बिलो, नीचे में जो मशीन आपको पहचान में आ रहे हैं उसमें आपको सर्कल करना है, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे मैं बोर्ड पे दे रही हूँ और आप सभी बच्चे नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर बी है, GUESS गैस, द MACHINES मशीन्स, मशीन, NAMES नेम्स, WITH विथ द HELP हेल्प ऑफ CLUBOX बॉक्स। आपको क्या करना है, गेस करना है मशीन नेम को क्लू बॉक्स से। आपको बॉक्स में कुछ यानी कि बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जो आपको मशीन नेम होंगे और नीचे कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उस सेंटेंस को समझना है, उसके बाद जो हेल्प बॉक्स मतलब जो क्लू बॉक्स दिया जाएगा उसकी मदद से आपको क्या करना है, मशीन का नेम पहचान कर उस सेंटेंस में उस मशीन का नेम लिख देना है। तो पहला सेंटेंस है, सॉरी पहले तो मैं क्लू बॉक्स में फिल कर दूँगी कौन कौन सा मशीन है ना। तो पहला है MOBILE मोबाइल, उसके बाद है CAMERA कैमरा, WASHING वॉशिंग, MACHINE मशीन, ठीक है। उसके बाद है REFRIGERATO रेफ्रिजरेटर, एंड AIR एयर, CONDITIONER एयर कंडीशन, एयर कंडीशनर, ठीक है ना। एयर कंडीशनर को हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में AC भी बोलते हैं। तो मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया और एयर कंडीशनर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे में जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में इन मशीन्स की नेम को फिल करना है। तो पहला है ITIT WASHES washes and DRIES dries, CLOTHES clothes, ओके। तो यहाँ पे आपको बॉक्स में उस नाम को लिख देना है। इट washes एंड dries clothes मतलब ये कपड़े धोता है और कपड़ों को सुखाता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है ITIT
आई एस इज यू एस ई डी यूज टू टी ए एल के टॉप टू एफ आर आई ई एन डी एस फ्रेंड्स एंड फैमिली एफ ए एम आई एल वाई फैमिली. दूसरा है इट इज यूज टू टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली. जो आपको दूसरा मशीन है उसका मतलब इस मशीन का यूज़ हम लोग अपने दोस्तों से बात करने के लिए करते हैं या नहीं तो फिर अपने परिवार वाले से बात करने के लिए करते हैं, जो परिवार के लोग हैं उनसे बात करते हैं, है ना. तो फ्रेंड और अपने परिवार के लोगों से बात करने के लिए हम किस मशीन का यूज़ करते हैं तो आपको वो लिखना है. तो क्या है नंबर वन, इट वॉशेज एंड ड्राइज क्लॉथ्स. तो इस बॉक्स में आपको हेल्प बॉक्स में से वो वर्ड देखना है, उसके बाद इसमें आपको फिल कर देना है. उसके बाद है सेकेंड, इट इज़ यूज टू टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. ये इस्तेमाल किया जाता है अपने दोस्तों से बात करने के लिए और फिर फैमिली वालों से बात करने के लिए. ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो दूंगी. उसके बाद है नंबर थर्ड. नंबर थर्ड में देख लीजिए क्या है. हाई टी इट के ई ई पी किट इट किट्स द आर ओ एम रूम सी ओ एल फूल. नंबर थर्ड है इट किट्स द रूम कूल. ये घर कमरों को मतलब घर में जो कमरा होता है इसको कमरों को क्या करता है, ठंडा रखता है. तो किस मशीन के ज़रिए हम अपने कमरे को ठंडा रखते हैं तो आपको उस मशीन का नेम इस वर्ड क्लू बॉक्स में से चूज़ करना है और क्या करना है यहाँ पे लिख देना है. नंबर फोर, नंबर फोर में है आई टी इट इज यू एस ई डी यूज्ड इट इज़ यूज्ड टू सी एल आई सी के क्लिक टी एच ओ टी ओ फोटो जी आर ए टी एच फोटोग्राफ. ठीक है, नंबर फोर में इट इज़ यूज टू क्लिक फोटोग्राफ और क्या है यह इस्तेमाल किया जाता है फ़ोटो क्लिक करने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए. तो कौन से मशीन का हम यूज़ करते हैं फ़ोटो खींचने के लिए तो आपको उस मशीन का नेम क्लू बॉक्स में से गेस करना है और लिख देना है. अब है लास्ट नंबर फाइव, उसे भी देख लीजिए क्या है. ठीक है, नंबर फाइव है इट इज इट किप के ई ई पी किप्स इट किप्स द एफ ओ ओ डी फूड एंड बी डी आर आई एन के एफ ड्रिंक्स कूल सी ओ एल कूल. और नंबर फाइव क्या है, इट कीप द फूड एंड ड्रिंक्स कूल. ये भोजन को और जो पिए पदार्थ होता है जो पीने के लिए होता है जैसे पानी हो गया आपको कोल्ड ड्रिंक्स हो गया जूस वगैरह उन सभी चीज़ों को ठंडा रखता है. तो कौन सा ऐसा मशीन है जो हमारे खाने को और हमारे जो पीने का जो सामान होता है ड्रिंक्स होता है उसे ठंडा रखता है तो आपको हेल्प बॉक्स में से उन सभी मशीन को खोजना है, गेस करना है और नीचे जो सेंटेंस है उसके सामने उस मशीन का नेम लिख देना है. ओके, तो ये तो आपका होमवर्क हो गया. क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी दोनों क्वेश्चन को सही से उतारिएगा और अच्छे से उतारिएगा, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में उतारिएगा और अच्छे ढंग से उतारिएगा ताकि जब आपका नोटबुक चेक किया जाए तो सभी सेंटेंस हमें अच्छे तरीके से समझ में आए. ठीक है ना, तो हैंड राइटिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए और सही सही उतारिएगा. अब मैं अपने क्लास को यहीं पेंट करती हूँ और एंड करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है तो आज का गुड मैनर टिप
देने से पहले एक बार फिर से आप सभी बच्चे अपनी अपनी अटेंडेंस बना लीजिए, ठीक है ना। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब मैं आप सभी को जो टिप है वो देती हूँ। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है वो देख लीजिए। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं एट द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ अ बस, जब आप स्कूल आते हैं या स्कूल से जाते हैं या फिर कहीं आपको आना जाना करना है, मतलब अराइवल और डिपार्चर, बस आए और बस जाए, तब आपको क्या करना चाहिए, तो ये सेफ्टी रूल्स में से है। वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। जब आप बस पकड़ने जा रहे हैं तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप क्यू में लगे हों, मतलब कतार में आप लगे और बस का वेट करें। ये नहीं कि धक्का मुक्की करके बस में चढ़ने की कोशिश करें, और अगर ऐसा कोई करता है तो आप उसे समझाइए कि नहीं, बस का जो वेट हम करते हैं या किसी भी व्हीकल्स का वेट करते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं, तो हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए क्यों कतार में खड़े होकर, ठीक है ना। तो क्या है आज का सेफ्टी रूल्स में से, जो आज का जो सेफ्टी रूल्स है वो क्या है, वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप पे हमेशा हमें क्यू में कतार में खड़े रहकर बस का वेट करना चाहिए, इंतज़ार करनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, रहने दीजिए और इन सभी सेफ्टी रूल्स को, गुड हैबिट्स को सभी को फॉलो कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल।